नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। 19.41 का स्टॉक हो चुका है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आज भी गिरावट देखने को मिली, 1.42% के आसपास की गिरावट है। बट खबर बहुत अच्छी है, स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक में यहाँ पर रैली नहीं है, बट उसके बावजूद भी लोग इंटरेस्टेड हैं। एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा है और आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर बड़ी खरीदारी की है। बात करेंगे उसकी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जेबी पावर के चार्ट की। जेबी पावर का चार्ट अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला आज भी, और एक गिरावट का माहौल रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो गिरावट जरूर देखने को मिली है। वीकली पैटर्न है आपको, मैं वीकली से डेली पे शिफ्ट कर देता हूँ इसको। आप डेली पैटर्न पे अगर ऐसे देखेंगे तो लगातार साइडवेज की ट्रेडिंग है। यहाँ पे अपर एंड पर एक, लोअर एंड पर एक, यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ इसे, आपको समझ में आ जाएगा बेहतर। यहाँ से अगर आप देखेंगे एक ट्रैप जोन बना चुका है, एक रेंज है यहाँ पे 17 रुपये 40 पैसे, और अपर एंड पर अगर आप देखें 20 रुपये 60 पैसे के करीब की एक रेंज बना चुका है, और इसी के बीच में लगातार जो आपका स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। अपर एंड पर अगर आप देखें, लोअर एंड पर अगर आप देखें, इसी के बीच में वो ट्रेड कर रहा है। बट एक अच्छी बात है कि यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक और यहाँ पर ट्रेंड बन रहा है, यानी कि ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर जारी है, और ब्रेकआउट मिलते ही स्टॉक में एक बड़ी रैली आएगी। जिस खबर की आपको इंतजार था वो कम से कम यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें इस टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बन रहा है, और ये ब्रेकआउट अगर नहीं करता है लोअर एंड पर, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपर एंड के लिए ब्रेकआउट मिलेगा, और जो प्रीवियस हाई था इसका उसको यहाँ पर टच करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा। क्या है बड़ी खबर उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले खबर पे। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाऊं, उससे पहले बाजार की बात कर लेते हैं कि स्टॉक में गिरावट हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। गिरावट के पीछे का कारण यही है कि मार्केट इस समय पर साइडवेज है। निफ्टी 50 में एक बड़ी रैली आई है 1% के करीब की, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप देखें गिरावट है, निफ्टी मिड कैप में गिरावट है, निफ्टी बैंक साइडवेज रहा है आपका। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े स्टॉक्स में, यानी कि निफ्टी 50 की जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी रैली है। उसके बाद अगर आप देखें तो जितनी भी छोटी कंपनीज हैं उनमें गिरावट का माहौल आज के दिन में रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इलेक्शन के बाद बहुत तेजी से रैली इन स्टॉक्स में आई थी, जेपी पावर में भी आई थी ठीक ठाक रैली वहाँ पर भी, बट उसके बाद अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड करना है अपनी स्टॉक्स को। अगर आपको लगता है कि कंपनी बेहतर काम कर रही थी तो आगे भी वो कंपनी बेहतर काम करेगी। जहां तक जेपी पावर की बात है, यहां पर आप इसका स्कोर ही चेक कर सकते हैं, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 75 का है, वैल्यूएशन स्कोर 79 का है, मोमेंटम 70 पॉइंट्स का स्कोर है इसका। तो स्कोर से हमें पता लग रहा है कि बहुत ठीक ठाक कंपनी काम कर रही थी और आगे आने वाले दिनों में भी काम करेगी। जहां तक फाइनेंशियल की बात है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिट बनाती है, और कंपनी जो प्रॉफिट बना रही होती है मार्जिन इसका अच्छा खासा है, 47-50% के आसपास का मार्जिन है। जहां तक प्रॉफिट की बात करें, 250% के आसपास का प्रॉफिट है इसका, 173 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर का, 250 करोड़ का प्रॉफिट था इसका मार्च क्वार्टर का। तो लगातार फाइनेंसिस डिक्लेयर करती है, और ना सिर्फ डिक्लेयर करती है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी रही है, और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे भी रही है। तो मुझे लगता है कि बाजार में ऐसे स्टॉक्स की तलाश आपको जारी रखनी चाहिए थी, और अगर आपको मिल चुका है तो यहाँ पर होल्ड करें। अब बात करें बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर है आपके बड़े नाम यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर पहले भी था, बट उसने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा करके अब 10% कर दिया है। केनरा बैंक पहले से था, उसने अपनी शेयर होल्डिंग को रखा है 2.4% के आसपास में, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। और जो दूसरा नाम बढ़ा है यहाँ पे वो है एफआईआई एफपीआई का। आपके लिए गिरावट है, आपको, आप डबल थिंक कर रहे हैं कि यार मैं रखूँ इस स्टॉक को या फिर बेच दूँ। और अगर आप एफआईआई एफपीआई की बात करें तो उन लोगों ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यहाँ पर 6% कर दिया है अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा करके। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत जंप करता है। हम लोग ना बहुत, मतलब आप लोग, मैं, हम लोग बहुत वो करते हैं कि यार ये बढ़ नहीं रहा है, इसको निकालो और दूसरा ले आते हैं हम तो खरीद के। बट क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में आपको तभी पैसा बनेगा जब आप बैठोगे। ये एक रेंज बना चुका है, आपको मैंने बताया कि एक रेंज है ये, और जब रेंज ब्रेकआउट होगा तभी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और रेंज ब्रेकआउट का मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ज़्यादा जंप करोगे मार्केट में तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है। ये एक बार रेंज बन चुका है, यहाँ से ऊपर गया, इस ट्रेंड पर आया, यहाँ से ऊपर गया बैकवर्ड, फिर नीचे आया। अब यहाँ से अगर जंप लेता है तो इसे ब्रेकआउट देगा, और एक अच्छा ब्रेकआउट देगा जिसका प्रीवियस हाई था 25-26 रुपीज़ के आसपास जा सकता है, जो हमारा टारगेट है 24 को ब्रेकआउट करेगा, और 26 रुपये का टारगेट लेकर के मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन काम कर रही है, आईसीआईसीआई बैंक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि निकलना चाहिए आपको, बट हाँ होल्ड करें मेरी राय में तो। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, आपका स्टॉक है, आपका पैसा है, डबल थिंक ना करें, जो भी आपका डिसीजन है उस पर काम करें, मेरी राय मेरी यही। अगर आपको पसंद आती है तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं आती है पसंद तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको सभी को अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए, और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी वीडियो को देखें या किसी की भी वीडियो को देखें और सीखें, डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो ना करें किसी को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट ब्लॉगर, पूछना हो तो। थैंक यू।